सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में बड़े बड़े अक्षरों में स्लोगन लिखा होता है कि सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन विद्यालयों में पढ़ाई छोड़कर सब कुछ होता है। आज पूरे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इन विद्यालयों में ना तो बैठने की कोई व्यवस्था है और ना तो पढ़ने और पढ़ाने की समुचित व्यवस्था। विद्यालय के अध्यापक बच्चों से पढ़ाई की जगह काम करवाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का तरकुलवा क्षेत्र में खुटहन पर सोनी प्राथमिक विद्यालय, जहां मासूम बच्चों से पढ़ाई की जगह पर MDN का राशन उठवाया जा रहा था। बच्चों से राशन का बोरा उठ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बच्चे किसी तरह से उठाकर राशन को ट्रैक्टर से किचन में ले गए थे, लेकिन इस विद्यालय के अध्यापक इसमें बच्चों का कोई सहयोग नहीं किए। जब बच्चों से बोरा उठाने को किसने कहा, इस सवाल पर वो डर गए, कैमरे पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। वहीं विद्यालय में कार्यरत अध्यापक अपना विद्यालय परिवार को बचाते हुए कहा कि मजदूर ढूंढते हैं, लेकिन आज ये अचानक आ गए हैं, जिस कारण बच्चों की मदद लेनी पड़ी। वो मजदूर ढूंढते हैं सब, लेकिन अचानक लेके चले आए हैं, इसलिए बच्चों की मदद ली गई है। यहाँ मतलब बच्चे पढ़ने आते हैं, गार्जियन बच्चों को पढ़ने भेजते हैं कि MDM का राशन ढुलाने के लिए भेजते हैं? नहीं, पढ़ने के लिए भेजते हैं बच्चों को, लेकिन अब हेडमास्टर सब नहीं थे तो अचानक ये बुला दिए, तो हम लोग तो भेजे नहीं थे, तो अब किस दृष्टि से बुलाए हैं हम, तो हम चूँकि ये प्रधान जी के भाई हैं, तो अब हम अंदर क्लास ले रहे थे तो इन्होंने बुलाया कि दो चार बच्चों को भेज दीजिए, तो हम भेज दिए। हमको ये नहीं पता था कि बाहर राशन आया है। आप लोग खुद ना बोरा उठवा के बच्चों से उठवाएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग बच्चों से नहीं उठवाएंगे, ये काम अब मजदूरों का है और ये व्यवस्था प्रधान जी का है या हेडमास्टर साहब का है। क्या नाम है आपका? इस बात पर जब हमने शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने रटा रटाए जवाब देते हुए कहा कि मामला संज्ञान में आया है, हम इसकी जांच करवाएंगे। ठीक है, संज्ञान में मामला हमारे आ गया है, इसकी जांच करवा ली जाएगी, अगर ऐसा सत्य पाया जाता है तो निश्चित है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए देवरिया से सत्य प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें।